Hey guys, welcome back to my channel. मैं हूँ आकांक्षा और आज की वीडियो में एक कोकोनट ऑयल का रिव्यू करने वाली हूँ। और कोकोनट ऑयल ऐसा है जिसको ना सिर्फ आप अपने बालों को लगा सकते हो बल्कि आप अपने स्किन के लिए भी अपने फेस पे उसको अप्लाई कर सकते हो और जो भी कोकोनट ऑयल के बेनिफिट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो अगर बालों के लिए कोकोनट ऑयल की बात करूँ तो बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं, पर अगर स्किन के लिए फेस पर लगाने के लिए कोकोनट ऑयल की बात करूँ तो बहुत ही कम ऐसे ब्रांड्स हैं जो जिन पर साफ साफ मेंशन होता है कि ये फेस के लिए भी है, ये स्किन पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि वो जो हेयर ऑयल होता है उसको ही अपने फेस पे लगा लेते हैं, जिससे क्या होता है कि उनको ऑयल्स के बेनिफिट तो नहीं मिलते हैं, उसके बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं, दाने निकल आते हैं और बहुत सारे एलर्जीज हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ ये गुड वाइब्स के कोकोनट ऑयल के बारे में। तो इसकी खास बात ये है कि ये जो ऑयल है ये कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है। अब आपने सुना होगा कि जो लोग भी अच्छी डाइट फॉलो करते हैं ना, वो लोग जो भी सब्जियाँ होती हैं उनको बहुत ज़्यादा पकाते नहीं हैं। जो भी चीज़ बहुत ज़्यादा देर तक हीट में रहेगी तो उसके जो न्यूट्रिशन है वो चले जाते हैं। ऐसे ही इसके साथ है, जब कोकोनट ऑयल को जैसे जो रेगुलर कोकोनट ऑयल को बनाया जाता है उसमें क्या हीट देके उसको बनाया जाता है, जैसे कि कोकोनट ऑयल के सारे न्यूट्रिशन चले जाते हैं, मतलब काफ़ी सारे न्यूट्रिशन चले जाते हैं जो कि फेस के लिए और बालों के लिए अच्छे होते हैं। तो ये जो ऑयल है इसको कोल्ड प्रेस्ड प्रोसेस से बनाया गया है, इसमें सारे न्यूट्रिशन आपको मिल जाएंगे। कोकोनट ऑयल में होते हैं फैटी एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि स्किन के लिए हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। जो कोकोनट ऑयल है सारे हेयर टाइप्स को सूट करता है, सारे स्किन टाइप्स को सूट करता है। आपके बाल डल हो गए हैं, फ्रीजी हैं और बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, स्प्लिट एंड्स का प्रॉब्लम है और बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, शाइन नहीं करते हैं, ऐसे केसेस में आप इस कोकोनट ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही स्किन पर अगर बहुत ज़्यादा डलनेस है, ड्राइनेस है, एजिंग का प्रॉब्लम है, रिंकल्स का प्रॉब्लम है, फाइन लाइन्स के प्रॉब्लम है, तो ऐसे केसेस में आप इस ऑयल को अपने फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल के बहुत सारे यूजेस हैं, आप इसको अपने तरीके से जो भी आपको पसंद है, जिस भी तरीके से आप इसको यूज़ करना पसंद करते हैं आप वैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत टाइप से आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स इसमें मिक्स करके आप इसकी गुडनेस को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप आई बटन पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, आप वहाँ से ये वीडियो ज़रूर देखें। ये जो कोकोनट ऑयल है ऐसे पैकेजिंग में आता है, ये 100 ml का पैक है, 2 साल तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। purple.com पे ये मिलेगा क्योंकि गुड वाइब्स का प्रोडक्ट है और काफ़ी अच्छे डिस्काउंट के साथ आपको मिल जाएगा। इसकी कंसिस्टेंसी की बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, जैसे कि ज़्यादातर नारियल के तेल बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, बहुत ज़्यादा चिपचिपा नहीं है, बहुत ज़्यादा लिक्विडी भी नहीं है। तो आप देखिए अगर आप इसको अपने स्किन पर भी लगाते हो तो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा, बहुत अच्छे से आप इससे मसाज कर सकते हो अपने स्किन की और अपने बालों पे आप इसको बहुत अच्छे से मसाज कर सकते हो, एज अ सीरम भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। इसकी फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो फ्रेग्रेंस उससे पता चलता है कि कोई भी आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस भी यूज़ नहीं की गई है। तो आपने बहुत सारे नारियल के तेल ऐसे देखे होंगे जिनमें बहुत ज़्यादा तीखी स्मेल आती है, पर इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इतनी ज़्यादा ओरिजिनल इसकी फ्रेग्रेंस से अलग पता चल रहा है इसमें कि कोई भी अलग से फ्रेग्रेंस ऐड नहीं किया गया है। करते हैं मैं इसको यूज़ कैसे करती हूँ, तो मैं अपना हेयर वॉश करने के बाद एज अ सीरम इसको आजकल यूज़ कर रही हूँ और एक दो ड्रॉप अपने बालों में आप लगाएंगे तो ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट देगा, बहुत अच्छे से बालों को मॉइस्चराइज करता है, स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक ये दूर कर देगा। हेयर मास्क में, हेयर पैक पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे एसेंशियल ऑयल मिक्स आपको जो सूट करता है वो आप इसमें मिक्स करके अपने स्किन पे बालों पे यूज़ कर सकते हैं और इसमें कॉफ़ी पाउडर या शुगर मिक्स करके आप इसको स्क्रब के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप जिस भी टाइप से कोकोनट ऑयल यूज़ करना पसंद करते हैं वैसे आप इसको मॉडिफाई करके यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसको रात में लगा के नहीं रखिए,
एक घंटे से ज़्यादा इसको लगा के नहीं रखना है अगर आपकी ऑयली स्किन है। अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो आप कोई भी ऑयल यूज़ करने से बचिए। एसेंशियल ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे टी ट्री ऑयल बहुत अच्छा होता है एक्ने प्रोन स्किन के लिए, पर बाकी सारे ऑयल्स जैसे आमंड ऑयल, कैस्टर ऑयल और कोकोनट ऑयल भी यूज़ ना करें अगर आपको एक्टिव एक्ने है तो। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसको रात भर लगा के रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को, तो ड्राई स्किन वाले इसको काफ़ी टाइम तक लगा के रख सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कोकोनट ऑयल एक ऐसा ऑयल है जो हर घर में मिल जाएगा और लोग इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है बालों पे यूज़ करने के लिए आप कोई अलग कोकोनट ऑयल पसंद करते हैं तो आप उसको ही कंटिन्यू करिए। पर अगर आप स्किन पे, आप अपने फेस पे कोई कोकोनट ऑयल यूज़ करना चाहते हो तो इसको आप एक बार जरूर ट्राई करके देखिए। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। ये आपकी प्रॉब्लम को कम तो करता ही है पर प्रॉब्लम को बढ़ाएगा बिल्कुल भी नहीं। तो बहुत दिनों से एक ऐसा कोकोनट ऑयल सर्च कर रही थी जो ये क्लेम करता हो कि इसको आप अपने बालों के साथ साथ स्किन पर भी अप्लाई कर सकते हो, तो फाइनली ये प्रोडक्ट भी लिखा। आप भी इसको यूज़ करके देखिए और आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आई होप आज का जो वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, और हेल्पफुल रहा हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जैसे जब भी मैं अपने वीडियोस अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।